हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक महाजन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेनेरिक टेकी। सो फाइनली दोस्तों, आज यानी 11th ऑफ जून 2020 को Xiaomi ने अपने मी नोटबुक जो है वो इंडिया में लॉन्च करे हैं, यानी मी नोटबुक 14 एंड मी नोटबुक 14 होराइजन एडिशन। काफ़ी अच्छे लैपटॉप हैं लुकिंग एट द प्राइस, बट ऑब्वियसली आज की वीडियो में हम काफ़ी डिटेल्स में बात करने वाले हैं एंड आपको ये बताने वाले हैं कि आपके लिए ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है एंड किन केसेज में आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। सो दोस्तों, वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी डिटेल एंड वेरी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर एक्चुअली प्लानिंग टू बाई दीज लैपटॉप्स। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को जरूर एंड तक देखें एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाए, आप वीडियो को एंजॉय करो, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के साथ आगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मी नोटबुक 14 होराइजन एडिशन की एंड ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। सबसे पहले हम इसकी डिज़ाइन की बात करते हैं एंड इसमें आपको जो है काफ़ी अच्छा फॉर्म फैक्टर देखने को मिलता है। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन, काफ़ी लाइट वेट लैपटॉप होगा, 1.35 kg का अल्ट्रा लाइट लैपटॉप एंड आपको इसमें जो है टोटली मेटेलिक फिनिश देखने को मिलेगी। एंड जो मटेरियल इसकी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया गया है, बिल्ड के लिए यूज़ किया गया है, वो वही है जो एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है। एंड अगर मैं स्पेसिफिकली इसकी हिंज की बात करूं, तो जो इसकी हिंज है अकॉर्डिंग टू MI 25,000 से ज़्यादा बार जो है टेस्ट की गई है, विच मीन्स कि अगर आप एक दिन में 15 बार भी अपने लैपटॉप को ओपन करते हो तब भी 5 साल तक इसकी हिंज को कुछ नहीं होने वाला। एंड सेकंड थिंग, आपको जो ये लैपटॉप है इतना अच्छा वेट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मिलता है कि आप इसको एक उंगली से जो है ओपन कर सकते हो। सो दोस्तों, डिज़ाइन एक ऐसा एस्पेक्ट है इस लैपटॉप का जो इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है एंड वही इसका एक सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट बन सकता है। डिस्प्ले की बात की जाए तो आपको इसमें 14 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी एंड द गुड थिंग इज कि आपको 13.3 इंचेस के फुटप्रिंट में 14 इंचेस की डिस्प्ले दी गई है, यानी आपको बेजल्स काफ़ी छोटे देखने को मिलते हैं। बट उसका ड्रॉबैक ये होगा कि आपको इंटीग्रेटेड वेबकैम नहीं देखने को मिलेगा, बट द गुड थिंग इज आउट ऑफ द बॉक्स आपको वेबकैम देखने को मिलता है जो आप यूज़ कर सकते हो। सो आपको 3mm के बेजल्स देखने को मिलते हैं विच आर सुपर थिन, 178 डिग्री का वाइड एंगल व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिलेगा। सो एवरीथिंग इज परफेक्ट एज पर डिज़ाइन। सो दोस्तों, डिज़ाइन के बाद यहाँ पे बात आती है परफॉर्मेंस की एंड अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें आपको इंटेल कोर i7-10510U प्रोसेसर देखने को मिलेगा एंड इंटेल कोर i5-10210U वाला वेरियंट भी देखने को मिल जाएगा। सो यानी इंटेल 10th जनरेशन प्रोसेसर मिलते हैं बट ये लाइट परफॉर्मेंस एंड लाइट पावर प्रोसेसर माने जाते हैं, यानी आपको इतनी हाई एंड परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी, बट अगर आप अल्ट्रा बुक्स की या नोटबुक्स की बात की जाए तो उनमें जनरली आपको यही प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये लैपटॉप बेसिकली वैसे ही ऑडियंस टारगेट करती है जिनको डेली लाइफ में एक पोर्टेबल लैपटॉप एंड एक अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ लैपटॉप चाहिए जिसमें आप कैजुअल गेमिंग कर सको, कैजुअल एडिटिंग कर सको एंड आपको डे टू डे लाइफ परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप बहुत अच्छा देखने को मिले। तो उसी हिसाब से काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो आपको NVIDIA GeForce MX350 2GB DDR5 VRAM देखने को मिलेगी एंड आपको 8GB की 2666 MHz की DDR4 RAM देखने को मिल जाएगी। स्टोरेज ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो 512GB की आपको PCIe Generation 3 NVMe SSD देखने को मिलेगी एक वेरिएंट में एंड एक वेरिएंट में आपको 512GB SATA 3 SSD देखने को मिलेगी। तो यानी लुकिंग एट द प्राइस, लुकिंग एट द वेरिएंट्स, आपको टाइप ऑफ SSD में भी फर्क देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने को मिलती है वो आती है आपके पोर्ट्स। बात करें तो आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा HDMI 1.4, USB 3.1 के आपको दो पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, USB टाइप सी मिलेगा, USB 2.0 मिलेगा, 3.5 जैक मिलेगा जो कि हेडफोन और माइक दोनों का काम मिलेगा, यानी कॉम्बो जैक होगा। तो यहाँ पे कमी किस पोर्ट की है, RJ45 यानी इथरनेट पोर्ट की कमी है, क्योंकि लेट्स से इफ़ यू आर लिविंग इन एरिया जहाँ पे वाईफाई का प्रॉब्लम रहता है तो मे बी आप अपना लेन यूज़ करके यूज़ करना चाहो वर्क स्टेशंस में या वर्क प्लेसेस पे, ऐसा कॉमनली देखा जाता है, बट अदरवाइज आपको पोर्ट्स में यहाँ चैलेंज नहीं होगा। बट दिस इज़ वन थिंग दैट आई वॉन्टेड टू हाईलाइट। एंड दोस्तों, यहाँ पे बैटरी की बात अगर कर ली जाए तो 46 वाट आर की आपको बैटरी मिलेगी एंड MI क्लेम्स 10 आवर्स का बैटरी बैकअप।
65 वाट का आपको चार्जर भी देखने को मिलता है विच कम्स विद द सपोर्ट ऑफ फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पे 10 घंटे का क्लेम करती है कंपनी, बट आपको अगर 6 से 8 के बीच में बैटरी बैकअप मिल जाए तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस माना जाएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाएगी। एंड आई एम डैम श्योर कि लुकिंग एट द प्रोसेसर अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, तो आपको बैटरी बैकअप जो है अराउंड 7 घंटे का आराम से देखने को मिल जाएगा। तो आप बैटरी बैकअप को लेकर तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आती है वो आती है MI ब्लेज अनलॉक एंड MI स्मार्ट शेयर। जो MI स्मार्ट शेयर है वो बेसिकली फोटोज़ वीडियोस और कोई भी डॉक्यूमेंट आपके स्मार्टफोन से आपकी नोटबुक में इंस्टेंटली ट्रांसफ़र करने में काफ़ी हेल्प करेगा। एंड जो MI ब्लेज अनलॉक उससे आप अपनी नोटबुक को अनलॉक कर सकते हो अपने MI बैंड की मदद से, तो ये दोनों फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। एंड अगर कूलिंग सिस्टम की बात कर ली जाए तो आपको जो है कूलिंग आउटवेंट्स भी जो है डिज़ाइन में देखने को मिलते हैं, जब मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया होगा वहाँ पे आपने इस चीज़ को नोटिस करा होगा। सो दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है प्राइसिंग की वेरिएंट वाइज। तो जो आपको 8GB प्लस 512GB SSD वाला वेरिएंट मिलता है विद i5 10th जनरेशन वो आपको देखने को मिलेगा 54999। एंड जो दूसरा वेरिएंट आपको मिलता है 8GB प्लस 512GB NVMe SSD उसका प्राइस जो है वो आपको देखने को मिलता है 59999। तो अब यहाँ पे आती है वैल्यू फॉर मनी की बात। देखो अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जो एक लाइट वेट नोटबुक की तलाश कर रहे थे, डे टू डे लाइफ में आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, कैजुअल एडिटिंग करना चाहते हो, कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो, तो होरिजन एडिशन है ये काफ़ी अच्छा कंसीडर करने लायक है उस केस में। इसका बेस वेरिएंट भी अच्छा है, इसका टॉप वेरिएंट भी अच्छा है, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप डिज़ाइन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना, तो उस केस में आपको इसके साथ जाना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर इस रेंज में आपको नोटबुक्स मिलती भी हैं मार्केट में तो उसमें डिज़ाइन फैक्टर को लेकर काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। बट मी नोटबुक में जो सबसे खास और सबसे अच्छी बात है वो यही है कि आपको यहाँ पे डिज़ाइन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने को मिलता। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो इसको अलग बनाती हैं। एंड MX 350 जो है वो आपको ज़्यादातर किसी भी लैपटॉप में देखने को नहीं मिलता, तो हाई एंड गेमिंग के लिए तो नहीं, बट एक कैजुअल गेमिंग करने के लिए, कैजुअल एडिटिंग करने के लिए प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, ग्राफिक्स कार्ड जो है वो गेमिंग में थोड़ी सी हेल्प आपकी कर देगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे बात खत्म करते हैं एंड बात करते हैं मी नोटबुक 14 की। सो दोस्तों जो मी नोटबुक 14 है वो भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप है एंड वो भी लाइट वेट कैटेगरी में आता है, लेकिन उसका वेट 1.5 kg है, अल्ट्रा लाइट तो नहीं बट लाइट एंड स्लीक उसको बोला जाएगा। ऑल मेटेलिक फिनिश आपको उसमें भी देखने को मिलेगी। एंड अगर हम मी नोटबुक 14 की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो उसमें आपको विंडोज 10 होम देखने को मिलेगा, i5 10th जनरेशन प्रोसेसर ही देखने को मिलेगा सारे वेरियंट्स में। एंड आपको जो ग्राफिक्स कार्ड है उसमें या तो आपको इंटेल UHD ग्राफिक्स 620 ऑनबोर्ड या आपको ऑप्शनल वेरिएंट मिलता है एक जिसमें आपको GeForce MX 250 2GB DDR5 देखने को मिलेगा। 14 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलेगी विद 178 डिग्री वाइड एंगल व्यू एंड 81.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो विच आई ऑलरेडी मेंशनड, 8GB की 2666 MHz DDR4 रैम, 256GB या 512GB SATA 3 SSD, तो यहाँ पे NVMe वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। पोर्ट्स की बात कर ली जाए तो USB 3.1 जनरेशन 1 के 2, USB 2.0 एक एंड HDMI का एक, कॉम्बो ऑडियो जैक एक और DC जैक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें भी 46 वाट आर की आपको बैटरी देखने को मिलेगी, 10 घंटे का बैटरी बैकअप अगेन क्लेम किया जाता है, 65 वाट का पावर अडैप्टर आपको इसमें देखने को मिलेगा। एंड वही MI ब्लेज अनलॉक एंड MI स्मार्ट शेयर दोनों ऑप्शंस इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। नोटबुक 14 की प्राइसिंग की बात कर लें तो इसमें 8GB 256GB विद i5 10th जनरेशन जो आपको मिलता है UHD के साथ वो मिलता है 41,990 में, एंड 8GB रैम 512GB SSD विद i5 विद NVIDIA MX 250 47990 एंड i5 विद UHD ग्राफिक 44999। सो अगेन दोस्तों जो मी नोटबुक 14 है वो भी उन लोगों के लिए कंसीडर करने के लिए है जो एक डे टू डे लाइफ में लाइट वेट लैपटॉप चाहते हैं। एंड अगर आपका बजट जो है 50 से भी नीचे है तो आप मी नोटबुक 14 के वेरिएंट्स को कंसीडर कर सकते हो। अगेन जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ आने वाला वेरिएंट है उसमें आपको तो गेमिंग ना के बराबर ही समझो, लेकिन जो MX 250 के साथ आने वाला वेरिएंट है उसमें आप कैजुअल गेमिंग बिल्कुल लो एंड में जो है कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। अगेन मैं यही कहूँगा जाते जाते कि ये हाई एंड वीडियो एडिटर्स या हाई एंड गेमर्स के लिए लैपटॉप्स नहीं बनाए गए। अगर आप गेमिंग लैपटॉप अंडर 50,000 अराउंड 50,000 ढूंढ रहे हो तो यू ऑलरेडी नो मेरी मल्टीपल वीडियोज़ में मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। बट बड़े
सारे लोग ऐसे थे जो मुझे कमेंट्स करते थे कि आपको एक प्रोफेशनल लुकिंग लैपटॉप चाहिए अंडर 50,000 अराउंड 40,000 कि आप डे टू डे लाइफ में अच्छा काम कर सको, आपको जो है ज्यादा गेमिंग नहीं करनी होती, ज्यादा वीडियो एडिटिंग नहीं करनी होती, आप ज्यादातर टाइम अपना एक्सेल्स माइक्रोसॉफ्ट इन चीजों पे स्पेंड करते हो। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलॉन्ग विद दिस कुछ छोटी सी कैजुअल लेवल की गेमिंग कर लेते हैं, तो उन लोगों के लिए ये लैपटॉप्स कंसिडर करने के लायक हैं। तो दोस्तों, आशा करूंगा कि आपको मेरी ये डिटेल्ड वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी एंड आपको काफ़ी अच्छे से इसके अंदर की चीज़ें पता चल गई होंगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो एंड आई विल मेक श्योर कि मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर करूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।